हाय एवरीवन माय माई सेल बी सी साहू वेलकम टू माय चैनल आज हम रिम फ्रेम में कैसे डबल धागा बनाते हैं ग्रिंडल करते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे तो ये रिम फ्रेम स्टेज में जो करेंगे उसके लिए अपन क्या क्या स्टेप अडप्ट करेंगे जिसके लिए हमको अच्छा रहेगा और वो आराम से अपन अच्छा क्वालिटी का ग्रेंडल धागा बना पाएंगे उसके लिए फिर आप ध्यान रखिएगा अभी स्टार्ट करते हैं हम रोबिंग ग्रिंडल इसीलिए नाम है क्योंकि दो रोबिंग मिला के अपन एक धागा बनाते हैं और सबसे पहला पॉइंट है टू कंट्रास्ट सेड दो कंट्रास्ट सेड मतलब अलग अलग कलर का जैसे पूरा बहुत डिफरेंस रहता है ऐसे कलर का अपन मिला के इसको करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ये ब्लैक प्लस वाइट ब्लैक हो गया डार्क सेड व्हाइट हो गया ये लाइट सेड ये हो गया लाइट सेड ये हो गया डार्क सेड तो एक डार्क एक लाइट एक कॉम्बिनेशन रहेगा और वाइट और ब्लैक ऐसा कलर है किसी भी कलर में वो मार्ज कर सकते हो और वाइट सेड जो होता है वाइट कलर का वो किसी भी डार्क सेड में इसको मार्ज करके चला सकते हो मतलब रेड प्लस वाइट ब्लैक प्लस वाइट ग्रीन प्लस वाइट और उसके अलावा जैसे कंट्रास्ट शेड मतलब ब्लैक और ब्लैक और रेड वो भी ले सकते हो या रेड एंड ब्लू वो भी ले सकते हो तो उसी हिसाब से आप एक कॉम्बिनेशन ए वाला शेड रहा तीन लिखा और लाइट शेड हुआ वाइट तो वाइट किसी भी शेड के साथ ले सकते हो वाइट शेड किसी भी साथ ऐड करके ले सकते हो ठीक है दूसरा चीज़ रहा दो नंबर पॉइंट डार्क पार्ट जो होता है अपन तीन परसेंट एक्स्ट्रा मिक्सिंग लेंगे तीन परसेंट मिक्सिंग क्वांटिटी बढ़ा के लेंगे क्योंकि डार्क सेड में क्या होता है अपना रोलर लैपिंग होता है वेस्ट बढ़ता है वो बहुत सारे मतलब वेस्ट होने के कारण उसका जो कंपोनेंट ब्लैक का मतलब डार्क सेड का कोई भी डार्क सेड है वो कम पड़ जाता है क्वान्टिटी जब अपन रिम फ्रेम में ग्रिंडल करेंगे वो मटेरियल कम पड़ जाएगा और लाइट सेड का मटेरियल बच जाएगा इसलिए हम तीन परसेंट एक्स्ट्रा मिक्सिंग लेते हैं समझ लीजिए अपन लाइट शेड का पंद्रह सौ किलो मिक्सिंग लिए, तो डार्क शेड का पंद्रह सौ पैंतालीस पंद्रा किलो लेंगे तीन परसेंट ज़्यादा लेंगे ठीक है दूसरा तीसरा चीज़ रहा लेयरिंग एंड टपलिंग डू सेपरेटली आज एक्सप्लेन इन मिलांज अपन जो मिलांज वाला चैप्टर पढ़ाए थे उसमें जिस तरीके से अपन मिक्सिंग लगाए थे सौ सौ किलो का लेयरिंग करके और फिर टपलिंग करके बनाए थे उसी हिसाब से अपन दो सेपरेट मिक्सिंग तैयार करेंगे एक डार्क सेड का एक लाइट सेड का और सेपरेट मिक्सिंग तैयार करके इसको क्या करेंगे ग्रिंडल में भी कटन प्लस कटन पलिस्टर प्लस पलिस्टर तो मटेरियल जो भी है कटन से कटन ग्रिंडल कर सकते हो पलिस्टर से पलिस्टर कर सकते हो इसको दोनों को अपन सेपरेट मिक्सिंग तैयार करके रखेंगे फिर इसको अपन कार्डिंग में चलाएंगे और कार्डिंग में जब चलाएंगे इसमें अपन रैपिंग जो होता है कार्डिंग का रैपिंग दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम रखना जैसे समझ लीजिए एक साइड में अपन 170 रखे, रखें पॉइंट वन सेवन जीरो रखें दूसरे साइड में भी पॉइंट वन सेवन जीरो रखना पड़ेगा उसमें वो सही रहता है अभी उसका अगला पॉइंट देखिए अपन कार्डिंग का रपिंग जो है सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट अपन लाइटर रखेंगे जैसे नॉर्मल काउंट में अपन समझ लीजिए अपन तीस काउंट में पॉइंट वन वन जीरो रखते नॉर्मल काउंट में पॉइंट वन वन जीरो रखते नॉर्मल में तो ग्रिंडल में अपन क्या करेंगे सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट लाइटर रखेंगे मतलब पॉइंट एक सौ सत्तर से पॉइंट एक सौ अस्सी तक ये अपन लाइटर रखेंगे तब जाके उसका जब ग्रिंडल करेंगे बराबर ड्राप सेट हो पाएगा आ, उसमें रिम फ्रेम में नहीं तो भारी रहेगा तो डबल जब रोबिंग हो जाएगा तो ड्राप सेट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट पॉइंट हो गया रैंडमाइजेशन रैंडमाइजेशन मतलब होता है जो अपना जो कार्डिंग का डिब्बा नंबर से रहेगा तो वो नंबर से ड्राइंग में डिब्बा लगेगा फिर सिम्पलेस में भी अपन लगाएंगे तो मटेरियल पूरा यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएगा और उसमें सेड वेरिएशन नहीं आएगा मोटा पतला नहीं आएगा और यान काउंट जो होता है सी बी सीबी सी भी बहुत कम रहेगा और टू टर्न में यान सी भी कम रहेगा तो ब्रेकेज कम रहेगा तो रैंडमाइजेशन कार्डिंग ड्राइंग सिंप्लेक्स तीनों में बराबर है बराबर रहेगा तो ठीक रहेगा अराउन बोथ सेड सेपरेटली इन सिम्प्लेक्स और अपना जैसे दो सेड है देखिए जैसे डार्क सेड है लाइट सेड है तो डार्क सेड में फाइबर का स्ट्रेंथ कम रहता है तो उसमें थोड़ा अपन टी पी आई बढ़ा के रखेंगे और लाइट सेड में जैसे नॉर्मल अपन काउंट का चलाते हैं ऐसे ही टी पी आई रखेंगे और उसी हिसाब से अपन चलाएंगे तो बराबर चलता रहेगा उसका वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा नहीं तो अगर टी पी आई ज़्यादा हो जाएगा अनड्रप्टेड का प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद डॉप कैपेसिटी 40 से 45 परसेंट इन सिंप्लेक्स सिम्पलेक्स में अपना जो डॉप गिराएंगे मशीन में डॉप खुलेंगे तो 40 से 45 परसेंट उसका कैपेसिटी लेनी पड़ेगी ज़्यादा भारी डॉप जैसे हो जाएगा तो अपन रिम फ्रेम में क्रिल करेंगे तो उसमें वो टच करेगा एक दूसरों से टच करेगा इसलिए अपन इसको ज़्यादा भारी नहीं करेंगे और कोशिश करें बिल्कुल 50 परसेंट ऊपर तक तो कोई भी डॉप नहीं जाए 50 परसेंट से ऊपर कोई भी डॉप जैसे नहीं जाए और डबल कैपेसिटी ऑफ बॉबिन होल्डर तो जब रिम फ्रेम में अपन लगाएंगे उसमें जैसे डबल कैपेसिटी ऑफ बॉबिन होल्डर मतलब समझ लीजिए एक हज़ार आठ स्पिंडल का आ, स्पिंडल का मशीन है अपन इसको दो हज़ार सोलह बॉबिन होल्डर लगाएंगे तो दो दो बॉबिन होल्डर लगाएगा तो बॉबिन जब क्रील करेंगे तो दोनों मिला के एक रोबिंग गाइड में जाएगा और रोबिंग गाइड भी अपन जो लगाएंगे दो बोर वाला रोबिंग गाइड लगाएंगे ताकि उसमें एक साइड में डार्क साइड घुसेगा दूसरा साइड में लाइट साइड घुसेगा और दोनों मिलके अपन एक धागा बनेगा तो डबल छेद वाला अपन रोबिंग गाइड यूज करेंगे और जैसे अपना जेड ट्विस्ट होता है या एस ट्वस्ट होता है तो जेड ट्विस्ट में अपन क्या करेंगे डार्क साइड होता है जो डार्क साइड अपन क्या करेंगे राइट साइड में जैसे ट्रैफ्टिंग जोन के सामने खड़े ऐसे तो राइट अपना इसमें लेफ्ट साइड में घुसाएंगे जैसे अपन ट्रैफ्टिंग जोन ऐसे उल्टा करके देखें तो राइट साइड में डार्क शेड और लेफ्ट साइड में लाइट साइड घुसेगा तो उस हिसाब से रहेगा देखिए जैसे ये हो गया आपकी ड्राफ्टिंग जोन यहाँ से अपन दो रोपिंग घुसाएंगे दो छेद रहा ये जैसे वहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो गया राइट साइड ये हो गया लेफ्ट साइड तो यहाँ डार्क रहेगा तो यहाँ लाइट रहेगा तो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बराबर नहीं रहेगा तो सेड वैरिएशन का प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट पॉइंट है अपन जो रोबिंग गाइड होता है दो छेद वाला लगाएंगे दो छेद वाला कैसे होता है देखो जैसे ये एक रोबिंग गाइड है यहाँ से अपन एक रोबिंग डाले ठीक है और एक रहता है दो छेद वाला मतलब यहाँ पे एक डार्क सेट गया यहाँ लेफ्ट लाइट सेट गया तो अपन ए वाला नहीं लगाएंगे ए वाला लगाएंगे ठीक है टू बोर वाला रोबिंग गाइड लगाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ राइट साइड डोमिनेट्स लेफ्ट साइड जो राइट साइड में जो डार्क सेड रहता है जनरली जे अपना जेड ट्विस्ट में चलाते हैं जेड ट्विस्ट में ये होता है क्या राइट साइड जो होता है लेफ्ट साइड को डोमिनेट करता है डोमिनेट करता है क्या होता है जैसे लाइट साइड का जो कलर है वो कोर में चला जाएगा मतलब जा सेंटर में चला जाएगा और डार्क सेड होता है वो बाहर बाहर दिखेगा मतलब पचहत्तर परसेंट दिखेगा डार्क साइड का कलर और पच्चीस परसेंट सिर्फ दिखेगा लाइट साइड का कलर अगर इसको अपन उल्टा कर देंगे जैसे ऐसे गलती से कभी कभी कारीगर राइट के जगह लेफ्ट लेफ्ट जगह राइट रोबिंग घुसा देगा तो कलर उसका उल्टा हो गया रिवर्स हो जाएगा तोड़ो सेड वेरिएशन हो जाता है तो बीच बीच में उसको चेक करना रोबिंग गाइड में ठीक तरह से रोबिंग इंसर्ट हुई या नहीं हुई देखना नहीं देखेंगे तो सेड वेरिएशन आ जाएगा और उसके बाद हुआ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अपना जो दो बोर होता है रोबिंग गाइड का दो बोर के बीच में बिल्कुल कभी कभी फ्लाई फ्लॉप कचरा जमा हो जाता है जमा हो जाने से क्या होता है रोबिंग का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर हो जाता है ऐसे दूर से आता है जैसे मतलब लग के नहीं आता थोड़ा दूर जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है फ्लाई फ्लॉप जब रहेगा तो उसमें सेट वेरिएशन आता है तो बीच बीच में दोनों बोर के पास में जो फ्लाई फ्लप जमा होता है बीच बीच में सफाई करना बहुत जरूरी है सफाई नहीं करेगा तो वो सेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा ये सेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा उसके बाद देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपन जो रोबिंग गाइड अपन लगा है डबल छेद वाला और बॉबिन होल्डर लगा है डबल कैपेसिटी वाला तो उसमें क्या होता है बॉबिन अपन 40 परसेंट से 45 परसेंट हल्का हल्का डप लगाए तो मटेरियल का क्रिल ओपनिंग बहुत ज़्यादा होगा माल खुलेगा बहुत ज़्यादा और दो रोबिंग के कारण कभी एक रोबिंग कट गया दूसरा रोबिंग चलता रहा तो बॉबिन भी फिर रिम फिरम बॉबिन जो होता है सिंगल कलर धागा बन जाएगा तो बॉबिन निकाल के इसको चाकू से ऐसे ऐसे साफ़ करेंगे एक कलर फिर से रोबिंग दोनों रोबिंग डालेंगे फिर धागा लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है कारीगर के ऊपर लोड बढ़ता है तो ये कोशिश करें कारीगर को अपन 50 परसेंट लोड देंगे 50 परसेंट लोड होता है जैसा समझ लीजिए आप तीस काउंट में चार साइड दिया कारीगर को चलाने के लिए जब रोबिंग ग्रिंडल चलाओगी आपको दो साइड देनी पड़ेगी दो साइड से ऊपर देंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा फिर डिस्टर्ब कर देगा मशीन तो 50 परसेंट लोड का बड़ा ध्यान रखें। अपन 50 परसेंट से ज़्यादा लोड देनी नहीं और उसके बाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट चेक जो बॉबिन जैसे ही डॉब गिरेगा तो एसक्यू सी का चक्कर हो या खाते का चेकर हो वो पूरा डॉब का एक एक बॉबिन चेक करेगा कोई सेड का अंतर तो नहीं है कोई रोबिंग लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता नहीं गया कलर अलग तो नहीं आ रहा है इसको हर बोबिन चेक करेगा कभी कभी होता है सिंगल बोबिन सिंगल रोबिंग आता है एक रोबिंग टूट जाता है कारीगर ध्यान नहीं दिया तो सिंगल माल भी कभी कभी आ जाता है वो भी शर्ट आउट करेगा जो भी प्रॉब्लम होगा इसको अलग करेगा हर एक बॉबिन चेक करके भेजना पड़ेगा और ये मटेरियल बहुत कॉस्टली मटेरियल है नॉर्मल धागे का डेढ़ गुना से दो ढाई गुना रेट ज़्यादा है तो इसमें कोशिश करें अपन रिम स्टेज में जितना राउंड मारेंगे उतना सही क्वालिटी बनेगा और वेस्ट नहीं बनेगा उसके बाद में रहा कीप दो लेफ्ट ओवर पार्ट विथ प्रॉपर स्लिप इसका मतलब क्या होता है जैसे अपन समझ लीजिए ब्लैक और वाइट दो कलर चला रहे समझ लीजिए अपन लॉट फाइनल हुआ वाइट कलर का मटेरियल 100-200 किलो बच गया तो इसको अपन वेस्ट नहीं करेंगे चाकू मार के काट के वेस्ट वेस्टेज नहीं करेंगे वो मटेरियल अपन प्रॉपर स्लिप लगा के जैसे सिम्पलेस का रैपिंग 1.8 है या 1.7 है ये काउंट के लिए बनाते हैं कर्टन है या पलिस्टर है सब बराबर स्लिप लगा के इसको सेपरेटली ले रख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये रिम रैपिंग स्टैंडर्ड जो होता है कार्डिंग का समझ लीजिए पॉइंट वन सेवन जीरो और ड्रॉपिंग का ब्रेकर फिशर दोनों में पॉइंट वन सिक्स जीरो रखे और सिम्पलेस का वन पॉइंट फाइव फाइव अपन हर स्टेज में रैपिंग फाइन रखना पड़ा ताकि अपन डबल करेंगे रोबिंग तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा तो उस केस में अपन ड्राफ्ट कैसे सेट करते देखिए जैसे अपन रिम फ्रेम में ड्राफ्ट कैसे सेट करेंगे काउंट हो गया तीस अपन को दो रोबिंग घुसाएंगे तो तीस इंटू टू कर दिए तो उसके बाद रोबिंग हैंग रोबिंग हैंग हैंग अपन वन पॉइंट फाइव फाइव पे ऐसे ले हुए ठीक है तो इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन हो गया ड्राफ्ट हो गया फोर्टी वन पॉइंट फोर टू आप ये समझ लीजिए वन पॉइंट फाइव फाइव भी रोबिंग हैंग रखने के बाद में अपन को इकतालीस का ड्राफ्ट देना पड़ता है तो इसीलिए इसको फाइन रखना पड़ता है अगर वन पॉइंट सिक्स रखें सेवन रखें और बढ़िया है अपन सिंपल इसका कैपेसिटी देख के अपन रोबिंग हैंग भी रखते हैं कभी कभी मटेरियल टाइट ना पड़ जाए इसीलिए थोड़ा भारी साइड रखे हुए लेकिन वन पॉइंट सिक्स भी रख सकते हो वन पॉइंट सेवन भी रख सकते हो डिसकाउंट में और वो ड्राफ़्ट कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल देखिए ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया टेन पॉइंट फाइव वन नाइन तो बैक रूल हुईल आप आजम करिए अपन एक सौ दस का डालें एक सौ दस एक सौ आठ पाँच जो भी डालना आपकी इच्छा है तो अपन एक सौ दस इधर पकड़े कैलकुलेसन में तो टेन पॉइंट फाइव वन नाइन इंटू एक सौ दस बी आर डब्ल्यू डिवाइड बाई ड्राफ्ट ये आपकी हो गया सत्ताईस पॉइंट नौ का सी पी हो गया इसको राउंड फिगर कर देंगे अपना अट्ठाइस का सीपी इसमें डालेंगे अपना रैपिंग बराबर आ जाएगा पॉइंट इसका ट्विस्ट गियर का अपन कैसे सेट करना है तो टी एम ऑन हायर साइड तो हमेशा रोबिंग रिंडल में अपन जो ट्विस्ट देते हैं टिपियाई देते हैं नॉर्मल धागा से अपन ज़्यादा देते हैं तो उसमें क्या ज़्यादा देने से अपन क्वालिटी सही रहता है और वो तीस काउंट में अपन चार पॉइंट दो से चार पॉइंट फाइव तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कटन स्ट्रेंथ टाइप ऑफ कटन अपन फोर पॉइंट फाइव तक भी जा सकते हैं बहुत बढ़िया कटन डाले तो फोर पॉइंट टू और थोड़ा कमज़ोर कटन डाले कम सी एस पी वाला कटन डाले जो स्ट्रेंथ कम है उसमें फोर पॉइंट फाइव तक भी जा सकते और स्पेसर वाइडर साइड फॉर एग्ज़ाम्पल अपन तीस काउंट में नॉर्मल में थ्री पॉइंट टू फाइव का लगाते हैं तो इसमें नॉर्मल की जगह अगर टू टर्न बनाएंगे थ्री पॉइंट सेवन फाइव से चार एम तक लगेगा तो रोबिंग गाइड जो होता है जो स्पेसर जो होता है थोड़ा वाइडर साइड लगानी पड़ती और स्पिंडल स्पीड जो होता है जो रिंग फ्रेम का स्पीड है दस से बीस परसेंट अपन कम रख सकते हैं बिल्कुल फुल दम की स्पीड नहीं देंगे जैसे तीस काउंट में समझ लीजिए आपका अच्छा अठारह अच्छा हज़ार चल रहा है टू टर्न में साढ़े सोलह हज़ार सोलह सात सौ आठ सौ ऐसे तक रख सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं रखने और ट्विस्ट गेयर कैलकुलेशन जैसे कि आप जानते हो एल आर नाइन वगैरह होगा तो आप डायरेक्ट पे डिस्प्ले में डाल देना तो उसमें ट्विस्ट गेयर का कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा अगर जी फाइव वन हो एल आर सिक्स हो तो उसमें ट्विस्ट गेयर कैलकुलेशन करना पड़ता है अपन फॉर एग्जाम्पल तीस टिटी में अपन पकड़े फोर पॉइंट फोर फाइव का टी एम ठीक है फोर पॉइंट फोर फाइव का टी एम जो हुआ चौबीस पॉइंट सैंतीस का हो गया टीपीआई तो ट्विस्ट कंस्टेंट समझ लीजिए एग्जाम्पल दिया मैंने चौबीस पॉइंट आठ नौ ट्वेंटी फोर पॉइंट एट नाइन तो उसमें गेयर कैसे सेट करते हैं तो ये ट्विस्ट कंस्टेंट हो गया और ये हो गया आपकी डी ये हो गया सी गेयर ये हो गया बी गेयर ये हो गया ए गेयर तो चार गेयर चेंज होता है जी फाइव वाना एल आर सिक्स में तो चौबी ट्वेंटी फोर पॉइंट एट नाइन में इंटू सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई सेवेंटी टू इंटू एट्टी सिक्स बाई सेवेंटी नाइन तो आपके आ गया चौबीस पॉइंट चार छः हो गया टी पी आई और इधर मैंने क्लियर लिख दिया ए बी सी डी क्या क्या गेयर डाले और ए प्लस बी मिला के वन सिक्सटी फाइव होना चाहिए डी प्लस सी मिला के वन थर्टी सेवन होनी चाहिए ये हमेशा ध्यान रखिए एल आर सिक्स और एल आर जी फाइव वन में ये कम्बिनेशन टूस्ट कम्बिनेशन बोलते हैं इसको वो बराबर रहना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना जो लिप्टर रैचेड है जो रिम फ्रेम का पेटी का चाल है और जो रैचेड है कॉप कंटेंट सेट करने का वो नॉर्मल काउंट के हिसाब से है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये वीडियो में अंत करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए और अपना दोस्त लोग को बताइए